अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार विवादित बयान देकर सियासत फिर से गर्मा दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज करार दिया, जिस पर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी है। अखिलेश यादव के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत सवार हो गया है। यह भूत अब उतरने वाला नहीं, चाहे डिंपल यादव या शिवपाल कुछ कहे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव के ऊपर चढ़ चुका है। अखिलेश यादव जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति है। वो जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा। उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से इतना डरते हैं जैसे बच्चा डरता है भूत से, और यह सपा के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के खिलाफ दायर स्वामी प्रसाद मौर्य के दो करीबी लोगों की याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों ने यह याचिका NSA के तहत हिरासत में रखे जाने के खिलाफ दायर की थी। दोनों पर हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की प्रतियों का अनादर करने और उन्हें जलाने के आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, जिस तरह से याचिकाकर्ताओं ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े सार्वजनिक जगह पर बहुसंख्यक समुदाय के पूजे जाने वाले धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया, उसके लिए समाज में आक्रोश और गुस्सा स्वाभाविक था। बेंच ने आगे कहा कि मौजूदा हालात में समाज का लगभग हर शख्स मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जुड़ा है। इस आधार पर बेंच ने माना कि सिर पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी हिरासत को याचिकाकर्ताओं की निजी आजादी पर गलत और अवैध प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। बताते चले कि बीते साल 29 जनवरी 2023 में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रामचरितमानस की फोटोकॉपी किए पेज जलाए गए थे। मौर्य ने 22 जनवरी 2023 को दावा किया था कि इस ग्रंथ की कुछ चौपाइयों में कथित तौर पर महिलाओं और दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। इन आरोपों में लखनऊ पुलिस ने 10 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था। बीजेपी नेता सतनाम सिंह लवी की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई थी। इसके तहत पुलिस ने आरोपित देवेंद्र यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, मोहम्मद सलीम और सुरेश यादव के खिलाफ NSA लगाकर गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने आरोपियों को 8 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी से MLC स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर। जय हिंद, जय भारत।